ध्यान से समझिए, बात करेंगे आज द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल्स एज अ सिस्टम। दो पार्टिकल्स के एक सिस्टम में इसके सेंटर ऑफ मास के पोजिशन के बारे में मानते हैं। टू पार्टिकल्स जिनके मास m1 और m2 है एक दूसरे से डिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल d पर रखे गए हैं। दोनों पार्टिकल्स के बीच ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जहां पर ऐसा मालूम पड़ेगा सिस्टम का होल मास कंसंट्रेटेड है। पार्टिकल ऑफ मास m1 पार्टिकल ऑफ मास m2 ज्वाइनिंग लाइन है। और इस तरीके से ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल डी पर रखे गए हैं। सेंटर ऑफ मास बिटवीन दी पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल m1 का डिस्टेंस r1 मान लेते हैं और पार्टिकल m2 का डिस्टेंस r2 है। अब ऐसा भी लिख पाएंगे r1 प्लस r2 इक्वल्स डी। सेंटर ऑफ मास पर इस सिस्टम का टोटल मास हमें कंसंट्रेटेड मालूम पड़ेगा, आर वन प्लस आर टू इक्वल्स डी। देन आप R1 equals D minus R2 लिख पाएंगे and R2 equals D minus R1। Distance of the center of mass from any particle m1 or m2 is inversely proportional to the mass of that particle. The distance of the center of mass from any of the particle is inversely proportional to
द मास ऑफ दैट पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल M1 या पार्टिकल M2 का डिस्टेंस उस पार्टिकल के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉमन डिस्टेंस आर कंसीडर कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। इसे इस प्रकार से R1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट लगा देते हैं के इनटू 1 अपॉन M1 इक्वेशन को। सिमिलरली R2 इक्वल्स K1 अपॉन M2 इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड हमें मिलेगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे के एंड के, तो इसे M2 अपॉन M1 लिखा जाएगा और R1 M1 इक्वल्स R2 M2। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये रहा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में R1 एंड R2 यूज करें तो मिलेगा क्या, R1 की जगह D माइनस R2 इंटू M1 इक्वल्स R2 M2 मल्टीप्लाई करें D M1 माइनस R2 M1 इक्वल्स R2 M2 और R2 को कॉमन कर देते हैं, R2 M1 को राइट हैंड ले जाकर, तो D M1 इक्वल्स R2 M2 प्लस R2 M1 और R2 कॉमन करें तो M2 प्लस M1 और लेफ्ट हैंड साइड में D M1। R2 की जगह क्या लिखेंगे, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, ये R2 हो जाएगा R1 यहां यूज किया। अब R2 यूज करते हैं, यहां R1 M1 इक्वल्स R2 की जगह D माइनस R1 इंटू M2 R1 M1 इक्वल्स D M2 माइनस M2 R1 और M1 R1 प्लस M2 R1 इक्वल्स D M2 और R1 यहां से कॉमन कीजिए तो M1 प्लस M2 इक्वल्स D M2 और R1 की जगह आप लिखें M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। R1 सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल 1 का डिस्टेंस एंड R2 सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल M2 का डिस्टेंस या पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जहां हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि इस सिस्टम का होल मास कंसेंट्रेटेड है। थैंक यू सो मच।